सब दर्शक लोग के आ चुकल बानी हम ममता तिवारी राउत पसंदीदा प्रोग्राम हो वो बनिया के लेके हर बार के लेखा ए बार भी ले आई बनी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री या स्टार लोग से जुड़ल हर ताजा तरीन खबर के लेके जो जनला का बाद रो सबके होखी बहुत खुशी। प्रोग्राम के अंत में वो दर्शक लोग के मैसेज भी बताई ले जे हर कोई भेजला अपन अपन फेवरेट स्टार खातिर तब मैसेज हम अंत में बताएं, लेकिन उससे पहले स्टार या इंडस्ट्री से जुड़ल कुछ खास खबर जान लेवे के इहवा। कुछ दिनों पहले ही खेसारी की फिल्म बलमजी लव यू सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, जिससे सिनेमा घरों में खूब सारा प्यार मिला। लेकिन इस पूरी फिल्म में दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आया खेसारी अक्षरा की जोड़ी से बना गाना 100 में से 90 को धोखा देती है, जिसे सिर्फ 15 दिन में 22 मिलियन लोगों ने देख लिया और बड़ी तेजी से इसके व्यूज बढ़ते जा रहे हैं। खेसारी ने पहली बार अपनी किसी फिल्म के लिए हिंदी गाना चुना था जो लोगों को खूब पसंद भी आया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस हिंदी गाने में खेसारी का साथ दिया है फीमेल सिंगर खुशबू जैन ने, जो अभी तक कई सारे हिंदी गानों के अलावा अलग अलग भाषाओं में भी सिंगिंग कर चुकी हैं। जानकारी के लिए बता दें कि खुशबू जैन ने पहली बार भोजपुरी फिल्म के लिए गाना गाया है। खेसारी की आवाज को पहले ही बार में खुशबू के साथ लोगों ने इतना पसंद किया है, जिसे देखकर हो सकता है दोनों फिर से एक डुएट सॉन्ग लेकर आए। भोजपुरिया दर्शकों को और भोजपुरी इंडस्ट्री को संघर्ष जैसी दमदार कहानी देने वाले फिल्म निर्माता पराग पाटिल वैसे तो अभी तक कई सारी फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं, लेकिन खेसारी के साथ उन्होंने सिर्फ एक ही फिल्म की जिसका नाम था संघर्ष, और पहली फिल्म करते ही उनके लिए खेसारी बहुत लकी साबित हुए। यही कारण रहा कि बिना समय लिए ही पराग पाटिल ने अपनी अगली फिल्म भी अनाउंस कर दी खेसारी के साथ। इस फिल्म का नाम था सैया अरब गई लेना। फिल्म का ये नाम सुनकर आपको खेसारी के गाने याद आ गए होंगे, क्योंकि अभी तक इस नाम पर खेसारी दूसरा पार्ट भी लेकर आ चुके हैं। वीडियो सॉन्ग के रूप में भी, ऑडियो सॉन्ग के रूप में भी ये गाना दर्शकों को बहुत पसंद आया है। लेकिन अब ये पूरी फिल्म आप लोग देख पाएंगे एक शानदार कहानी के साथ, जिसमें हीरो खेसारी लाल होंगे और हीरोइन का भी पता नहीं है। सुनने में तो आया था कि इस फिल्म में दो हीरोइनें हो सकती हैं, लेकिन वो दो हीरोइनें होंगी कौन, इसका खुलासा फिल्म के निर्माता पराग पाटिल ने नहीं किया है। इस फिल्म के निर्माता पराग पाटिल हैं, और काफी दिनों से इस फिल्म पर बातचीत चल रही थी जो लगता है अब पूरी हो चुकी है। यही कारण है कि पराग पाटिल ने हाल ही में खेसारी लाल के साथ एक तस्वीर शेयर की है, जिसके जरिए उन्होंने ये संदेश भी दिया है कि फिल्म की शूटिंग सेटिंग हो गई है और बहुत जल्द शुरू होने वाली है। ये तस्वीर खेसारी के घर की है, क्योंकि फिल्म की मीटिंग करने के मकसद से खेसारी के घर पराग पहुंचे हुए थे। इस फिल्म से जुड़ी बाकी की जानकारी आपको शूटिंग शुरू होते ही मिलती रहेगी। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल ने अभी तक काफी सारी फिल्में काजल राघवानी के साथ की हैं। उनकी और काजल की जोड़ी को दर्शक हमेशा पसंद करते हैं, लेकिन जब भी खेसारी किसी नई हीरोइन के साथ या फिर किसी और एक्ट्रेस के साथ किसी फिल्म में नजर आते हैं, तो उस हीरोइन और फिल्म पर लोगों की नजरें ज्यादा होती हैं। ऐसी ही एक फिल्म पर लोगों की नजरें हैं, जिसका नाम है दबंग सरकार। इस फिल्म में एक नई हीरोइन की एंट्री हुई आकांक्षा अवस्थी, जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत ज्यादा नाम किया। तभी से इंडस्ट्री में आकांक्षा की पहचान बढ़ गई। जाते जाते बता दें कि दबंग सरकार के बाद आकांक्षा मलेशिया में देखी गई है। कुछ दिनों पहले ही पवन सिंह के साथ मलेशिया में नजर आई थी अवार्ड फंक्शन में, लेकिन फिर से मलेशिया पहुंच चुकी हैं अपनी नई फिल्म की शूटिंग के लिए। और इस नई फिल्म की शूटिंग में की टीम के साथ आकांक्षा लगातार तस्वीरें भी शेयर कर रही हैं। इस टीम में मधु शर्मा भी साथ देखी गई हैं। मधु शर्मा साउथ की फिल्में भी करती हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं आकांक्षा ने भी भोजपुरी करने के बाद साउथ इंडस्ट्री का हाथ थाम लिया है। तभी तो आकांक्षा एक इवेंट के बाद से कभी दोबारा खेसारी के साथ नजर भी नहीं आई। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ 27 अक्टूबर की रात वैशाली में जो घटना घटी थी, उसके बाद खेसारी 28 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर लाइव आए और उन्होंने उस वीडियो में अपनी सारी आपबीती बताई और अपना दुख जाहिर किया। उसके बाद खेसारी अचानक से कहीं गायब हो गए, लेकिन एक बार फिर से खेसारी लाल यादव इंडस्ट्री में वापसी कर रहे हैं। जी हाँ, और आज उनका एक नए गाना रिलीज करने के साथ उनका पोस्टर रिलीज हुआ है, जिस गाने के बोल है फल रखे के दौरा, जिसका पोस्टर खेसारी ने शेयर करते हुए कैप्शन बॉक्स में लिखा है कमिंग सून।
यानी कि खेसारी लाल यादव अपने छठ पूजा के गाने के जरिए वो एक बार फिर से कमबैक करने वाले हैं। वेल, आप लोगों को जाते जाते जानकारी देते चले कि खेसारी लाल यादव इस समय पर छठ पूजा का गाना तो रिलीज कर ही रहे हैं, इसी के साथ खेसारी की फिल्म दबंग सरकार भी बहुत जल्द छठ पूजा के अवसर पर रिलीज होने वाली है। चले के समय हो चुकल बा अगला प्रोग्राम में आई हम ऐसा नहीं खबर लेके, लेकिन जाए से पहले बसेस बता देता नहीं जे प्रिया भूति के बटे लिखा था कि मैं अक्षरा सिंह की बहुत बड़ी फैन हूँ, वो बहुत अच्छी हैं चाहे गायकी में हो या एक्टिंग में हो, प्लीज़ उनको कोई डीमोटिवेट ना करे, उन्होंने शुरुआत की है और मुझे पूरा विश्वास है आगे अच्छा करेंगी। तो अगर सुन रहल बड़ी अक्षरा सिंह तो प्रिया भूति के मैसेज पर गौर जरूर फरमाएं। प्रिया के मैसेज करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आज के खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, चले के समय हो चुकल बा, अगला प्रोग्राम में होके मुलाकात ऐसा ने ताजा तरीन खबर और नया नया मैसेज का साथ, लेकिन तब तक खातिर हमरा के दी इजाजत, प्रणाम। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें।